अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। हुसैन आपकी खिदमत में नई वीडियो के साथ हाज़र है। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अभी सुबह का 6 बजे का वक्त है और यहाँ पर लोग जो सुबह सुबह फार्मिंग कर रहे हैं और बहुत ही माशाल्लाह मज़े की इन्वायरमेंट है, क्योंकि देहातों में जो है शहरों की निस्बत काफ़ी जो है साफ़ सुथरा होता है। एक तो ग्रीनरी बहुत होती है और यहाँ पर पॉपुलेशन भी बहुत कम होती है, और इसीलिए सुबह सुबह में जो वॉक का मज़ा है यहाँ का, फिर वॉक का मज़ा अपना ही है। ख़ासतौर पर इस तरह की ग्रीनरी में बहुत मज़ा आता है। तो आपको हरिनी आपको पर की कलवार उन तक तो जलन 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 माशाल्लाह मतलब सकाली तू संग पागो सुन तक सेहत अल्हम्दुलिल्लाह। ये सेहत के लिए भी जो सुबह सुबह की जो वॉकिंग होती है वो बहुत अच्छी होती है माशाल्लाह। और जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे बैक साइड पर, यहाँ पर आप वो जो नज़र आ रहा है वो सामने वो जो है वो क्या बोलते हैं कॉर्न के खेत हैं, छली के खेत हैं। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी मकदार में यहाँ पर जो है ना छली की बहुत ज़्यादा काश्त की जाती है। इसको इंडोनेशिया में कहते हैं जागूंग जागूंग। और यहाँ पर बहुत बड़ी मकदार में, जैसा कि अभी भी मैं अगर आपको दिखाऊँ तो वो सामने पीछे इसी की खेती बाड़ी में वो लोग मसरूफ़ हैं। और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत जगह, यहाँ का नज़ारा भी कमाल का है। अच्छा, ये थोड़ा सा तरीका थोड़ा सा इनका मुझे जदीद लग रहा है, तो ट्रैक्टर से मिलता जुलता ही है तकरीबन, लेकिन यह कैसे हाथ से ही कर रहा है सारा। ठीक है, अब जैसा कि मैं आपको दिखा सकता हूँ, पीछे जो आपको मैंने दिखाया वो बैल वाला था और यहाँ पर जो है वो हैंडमेड ट्रैक्टर, कह ले क्या बोले इसे मिनी ट्रैक्टर। और जैसा कि आप देख सकते हैं माशाल्लाह यहाँ पर लोग जो है वो खेती बाड़ी कर, ये बड़ा थोड़ा सा मॉडर्न इसका मुझे लगा, लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं वो इनका जो है वो ट्रेडिशनल तरीके से ही खेती बाड़ी करते हैं। ये सामने काश्तकारी के लिए लोग बैठे हुए हैं इधर। ये वाले खेत तो ऑलमोस्ट तैयार हो गया अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, जैसा है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी ये तैयार है। और यहाँ पर ये जो अभी ये नई फसल है, ये वाली सामने जितनी भी आपको नज़र आ रही है सब अभी नई फसल है। जैसे हम पाकिस्तान में गंदम की बहुत ज़्यादा काश्त करते हैं, और आपको पता है जहाँ पर भी जहाँ पर भी हम ऐसी को फील्ड देखते हैं तो वहाँ पर गंदम की ज़्यादा काश्त होती है, लेकिन ये लोग ज़्यादा चावल और जो छली है ना इसके ऊपर मकई, जो मकई और जागूंग इसे कहते हैं अपनी ज़बान में, बहुत ज़्यादा यहाँ पर काश्त होती है। और ये जनाब देखें आप माशाल्लाह, अभी ये अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये अभी तैयार है बिल्कुल, ये देखें माशाल्लाह, इसके दाने देखें, चेक करें आप ज़रा। इसको मैं आपको दिखाना दिखाता हूँ माशाल्लाह, ये देखें जी, माशाल्लाह ये बिल्कुल रेडी है। इसके बाद फिर जो है ना इसकी ये कटाई शुरू कर देंगे। बहुत ही पुरसकून फ़ज़ा है यहाँ पर माशाल्लाह, सुबह का जब वक़्त होता है बहुत ही ज़्यादा पुरसकून होता है। और अभी गर्मी भी थोड़ी सी धूप भी है, लेकिन इसके साथ जो है ना ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, और बहुत ज़्यादा मैं इंजॉय कर रहा हूँ। और इस तरह की वॉकिंग जो है वो सेहत के लिए भी काफ़ी अच्छी होती है माशाल्लाह। अबे ही जाओ। और यहाँ पर जागूंग जिसे हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं छली, यहाँ पर छली के बहुत ज़्यादा खेत हैं, जैसे कि सामने मैं आपको दिखा सकता हूँ, आप देख सकते हैं।
ये देखें यहाँ पर ये औरतें ये बीज लगा रही हैं कॉर्न्स के, खेती बाड़ी के लिए। सलामत पाकी बू, सुबह का वक्त और यहाँ पर माशाल्लाह खेती बाड़ी। हेलो या तमन को, ये मेरे दोस्त हैं, सुबह सुबह हेलो कर रहे हैं। और यहाँ पर ये जो सुबह सुबह ये देखा, ये इसमें जो छली के बीज हैं वो बोए जा रहे हैं और उसके बाद इसकी जो है वो फसल उगेगी। और वहाँ पर वो देखें जी, वो दो बैल आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। वो यहाँ पर जो इंडोनेशिया में ये चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व किया कि यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो वो ट्रेडिशनल तरीके से ही खेती बाड़ी करते हैं, जैसे कि आज से कई साल पहले पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में जैसे कदीमी तरीका होता था, बैल्स को ऐसे लगा कर वो खींचते थे। तो उसके बाद फिर ट्रैक्टर आ गया, ट्रैक्टर ने फिर कह लें कि ये चीज़ ख़त्म कर दी, ठीक है। लेकिन इंडोनेशिया में मैंने काफ़ी जगह पर गया हूँ, वहाँ यहाँ पर अभी भी जो है वो ऐसा ही है जैसा कि आप देख सकते हैं। रामत पागी पा, ये ग्रीन चिली का खेत है जी सामने, ग्रीन चिली, इसे इंडोनेशिया में चाबे हिजाओ कहते हैं। साइज़ में काफ़ी ये छोटी होती हैं आम मिर्च के निस्बत, लेकिन यह है कि बहुत ज़्यादा स्पाइसीज होती हैं ये। लेकिन ये ज़्यादातर लोग जो है ये फ्रेश चिली को इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए साइज़ में ये बहुत छोटी है, लेकिन जो है अब इसको खाने में जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो इसके जो सांभल बनाते हैं, सांभल हिजाओ, तो वो इसमें काफ़ी जो है ना, इसकी वजह से खाना काफ़ी जो है स्पाइसी हो सकता है, ठीक है। आप जैसे भी कहीं पर भी यहाँ पर अगर इंडोनेशिया में रेस्टोरेंट में, होटल में जाएं तो लोग जो है इसी का सॉस खाते हैं ज़्यादा। एक चाबे हिजाओ होते हैं, एक उसे कहते हैं चाबे मेरा। चाबे हिजाओ मतलब ग्रीन चिली, चाबे मेरा मतलब के रेड चिली, ठीक है। रेड चिली साइज़ में थोड़ी सी बड़ी होती है, वो इससे थोड़ी सी डिफरेंट होती है। और उसके भी यहाँ पर काफ़ी सारे जो है ना खेती बाड़ी की जाती है, बहुत ज़्यादा बड़ी मकदार में। ओके तमन को अकू सुदा जलन जलन पागी जलन सुदा चाप इसकाली करना अकू जलन लामा लामा सिकारांगा अकू मरासा चाप पे। अभी मेरा वॉकिंग कह रहे कि अभी ख़त्म हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत ज़्यादा थक गया हूँ क्योंकि पता ही नहीं चला आज तो वॉकिंग करते हुए बहुत ज़्यादा दूर तक निकल गया, और अभी जो है मैं तो काफ़ी थक गया हूँ। बहरहाल मज़ा बहुत आया माशाल्लाह यहाँ का, एक तो सुबह सुबह की ताज़ा आबो हवा और यहाँ का डिफरेंट मैंने इन्वायरमेंट देखा, खेती बाड़ी देखी, बहुत अच्छा लगा। और उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्तों को भी मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है काइंडली इसको लाइक करना मत भूलिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए दी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।